कि एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म कम्पाउंड ठीक है अब यहाँ पर देखो कुछ रूल्स है जो केमिकल रिएक्शन के इन कॉम्बिनेशन के इस तरह के कुछ रूल्स है जिसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेवाइजर और जोसेफ प्राउस ने बताया था तो ये जो दो लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है देख लो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कॉन्सेंट प्रपोर्शन वट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भाई मास को ना कोई क्रिएट कर सकता है या मैटर को ना कोई क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है

कि अगर मैं वाटर की बात करूँ एच टू ओ तो वो पानी चाहे प्योरीफायर का हो चाहे नल से आया हो चाहे बारिश का पानी हो चाहे गटर का पानी हो चाहे चांद पे आया हो पानी हो कोई भी अगर वो वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला एच टू ओ ही होने वाला है और इस लॉ के हिसाब से मास के हिसाब से देखिए अगर हम हाइड्रोजन का एक का मास होता है एक एटम का वन होता है दो एटम का टू हो गया तो हाइड्रोजन का मास टू है ऑक्सीजन का मास होता है सिक्सटीन तो टू इज टू सिक्सटीन इज बेसिकली वन इज टू एट तो यहां पर जो मास रेशियो है वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इन वाटर ये चाहे कोई भी सोर्स से लिया हो पानी हो अगर वो वाटर है तो उसका उसका रेशियो होना चाहिए जैसे ये रेशियो बदल गया कंपाउंड बदल जाएगा जैसे एच टू ओ टू इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट इज डिफरेंट प्रॉपर्टी एस वाटर जैसा प्रॉपर्ट नहीं है आगे देखो डेल्टन एटोमिक थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है एटम के बारे में और कैसे आइटम कंबाइन करता है उस बारे में है ये तो यहां पर क्या दिया हुआ है जॉन डेल्टन ने पहला पॉइंट है ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल एटम्स कोई भी मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल का बना है जिसको एटम्स कहते हैं ठीक है ठीके? और यही एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दूसरा एटम्स आर पार्टिकल्स एटम्स को हम एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई उसमें सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट कराए इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से आप एलिमेंट को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ठीक है Example, एक मान लो कार्बन का मैंने बल्क ले लिया उसमें से दो कार्बन के आइटम निकाले तो क्योंकि दोनों कार्बन के आइटम्स है तो वो आइडेंटिकल होंगे एक जैसे होंगे प्रॉपर्टीज में भी और उनके मासज भी एक जैसे होंगे ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पर कि एटम्स अगर डिफरेंट एलिमेंट के हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल रहेगा वो ठीक है इसके बाद क्या है

जो मेटल्स होते हैं वो जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं पर नॉन मेटल जो है वो आपस में अपने ही आइटम के साथ बना के कुछ कुछ हैं जैसे फॉर मेटल्स दिया हुआ है तो आर्गन ए आर सिंगल आइटम रहेगा एच ई सिंगल एटम रहेगा लेकिन कुछ एलिमेंट्स uh, कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं इनके दो एम्स आपस में लिंक करके O2, N2, H2 Cl2 के फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कुछ हैं जो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में यानी चार एटम के के ग्रुप में रहते हैं जैसे कि फास्फोरस P4 सल्फर S8 पॉलीएटॉमिक हो गया ठीक है आपको एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं, वो याद रखने इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यहां पर आगे देखो अगर तो आयंस की बात करेंगे आयंस मतलब क्या होता है चार्ज्ड स्पीशीज ऑफ आइदर मेटल्स या नॉन मेटल का ग्रुप जो भी रहता है तो चार्ज्ड स्पीशीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स टू फॉर्म कंपाउंड uh, मतलब वो वही जाके दैट फॉर्म कंपाउंड वही जाके कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो हम आगे देख रहे होंगे अच्छा ये आयन दो टाइप के होते हैं अगर पॉजिटिव आयन है तो उसको कैटायन कहते हैं याद रखना भी आसान है देखो यहाँ क्रॉस है यहाँ भी क्रॉस है ठीक है जैसे एन ए प्लस एम जी टू प्लस ए एल थ्री प्लस जनरली मेटल्स ये फॉर्म करते हैं ठीक है एंड नेगेटिव आयन को एनायंस कहते हैं जनरली नॉर्मल्स फॉर्म करते हैं देखो ये सी एल माइनस एस टू माइनस ओ टू माइनस एन थ्री माइनस ठीक है अगर सिंगल एटम का अगर आयन फॉर्म हुआ है सिंगल एटम का चार्ज एटम है तो वो जो है वो क्या कहलाएगा मोनो मोनो एटोमिक आयन रहेगा अगर एक से ज्यादा एटम का वो आयन है तो उसको पोलियटोमिक कहेंगे जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया है ठीक है कुछ जो आयन है आपको अच्छे से लर्न करने वाले वो आपको टेक्स्ट बुक से ये पढ़ लेना है जैसे सोडियम का एन ए प्लस के पोटेशियम का के प्लस ठीक है सिल्वर का ए जी प्लस एंड सो ऑन ग्रुप का भी दिया हुआ देखो यहाँ पर अमोनियम का एन एच फोर प्लस हाइड्रो ऑक्साइड केमिकल फॉर्मुला कैसे बनाना इसको करके? तो बस आपको क्रिस याद रखना है क्रॉस मेथड याद रखना है कि इधर का नंबर जाएगा इधर इधर का नंबर जाएगा इधर जैसे यहाँ पर के प्लस और पोटेशियम तो सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ प्लस है मतलब वन है इस वन को नीचे भेजो और इस टू को नीचे ले आओ तो के टू हो गया और एसओ फोर हो गया के टू एस फोर जैसे यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट तो ये इसका भी टू प्लस है इसका भी टू माइनस है ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, जाएगा? सिंपलीफाई हो गया वन वन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सी यू सी ओ थ्री ठीक है अब यहाँ पर देखो ये अमोनियम सल्फेट अमोनियम का है ये प्लस वन और सल्फेट का है टू माइनस तो ये वन इधर गया और टू इधर आया पर ये टू को मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता क्योंकि ये ग्रुप है तो पूरे ग्रुप को टू देना पड़ेगा एन एच फोर ट्वाइस एस ओ फोर हो गया ये ठीक है अब आपको ये पता होना चाहिए तो भाई क्या किया गया कि कार्बन का जो एटम होता ना, ये, जो बहुत है का, कि भाई कार्बन के एटम के मास का वन ट्वेल्थ किया गया ना सी ट्वेल्थ आइटम जो होता है उसके मास का वन ट्वेल्थ किया गया ना उसी चीज को हमने वन ए एम यू यानी वन एटॉमिक मास यूनिट कहा गया इसका डेफिनेशन इसको ऐसे अच्छे से याद रखना ठीक है

ठीक है हाइड्रोजन का वन है कार्बन का ट्वेल्व है नाइट्रोजन का फोर्टीन है ऑक्सीजन का सिक्सटीन है ठीक है सोडियम का ट्वेंटी थ्री है मैग्नीशियम का ट्वेंटी फोर है सल्फर का थर्टी टू है क्लोरिन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव है कैल्शियम का फोर्टी है इतना आपको एटलीस्ट लर्न कर लेना है मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एन है तो एन का देखो ट्वेंटी और सी का है थर्टी टोटल मिला के एन का कितना हो गया फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ऐसे निकालते हैं सिंपल तरीके से ठीक है सी ओ टू सी इज टूवेल्व यूनिफाइड मास है ठीक है और ऑक्सीजन का है सिक्सटीन दो ऑक्सीजन है इसलिए तो अब आप एक बात याद रखो कि ये सब तो एग्जिस्ट करते हैं सेकेंड और थर्ड वाला लेकिन जो NACL न, ये एनएसीएल है ना ये करता है एनएसएल तो की में जो एग्जिस्ट करते हैं उनका मोलिकुलर मास नहीं कहा जाता निकालते तो वही है अपन सेम मेथड है पर उनके मास को बोला जाता है फॉर्मुला यूनिट रखना इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय जय हिंद